कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत। आने वाले कई महीनों तक हमें घर में ही बंद बैठना पड़ेगा। अगर ये जल्द से जल्द अगर हम चाहेंगे कि बाहर आना है, हमें भी आजादी के साथ रहना है, हम भी अच्छे तरीके से ईद मना सके, तो ये हमारे हाथ में है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सरकार की कोई गाड़ी आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, तो लोग फौरन अंदर भाग जाते हैं। जो नौजवान लड़के झुंड बनाकर खड़े रहते हैं, वो गाड़ी देखते हैं और भाग जाते हैं, फिर गाड़ी जाती है, फिर बाहर निकल आते हैं। ये किसके लिए किया जा रहा है, ये समझने की बहुत जरूरत है। मैं मोहल्ले के तमाम बुजुर्गों से ये अपील करना चाहूंगा, मैं मोहल्ले की हमारी माओं और बहनों से ये अपील करना चाहूंगा, अगर इस इलाके के अंदर अगर और पॉजिटिव केसेस पाए गए तो आप समझ लीजिएगा, इतनी तंग गलियां हैं, घर से घर लगे हुए हैं और इतनी बड़ी हुजूम, अगर हम लोग बाहर इसी तरह निकलकर आते रहेंगे और इसको संजीदगी से नहीं लेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि औरंगाबाद के अंदर ये लॉकडाउन कब खत्म होगा ये हम भी नहीं बता सकते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किसी को अनाज के लिए जाना पड़ता है, किसी को सब्जी लाने के लिए जाना पड़ता है, किसी को दूध लाने के लिए, लेकिन अगर जिम्मेदारी के साथ ये काम, अगर घर का एक शख्स निकलकर बाहर आकर अगर ये सामान लेकर फौरन घर में चला जाए तो वो आसानी रहेगी। हम देख रहे हैं कि बाप अगर निकल रहा है तो दो छोटे बच्चों को साथ में लेकर जा रहे हैं, तो इन बच्चों को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। हम बार बार आकर आप लोगों से ये अपील करने की वजह यही है कि ये मुश्किल की घड़ी हम सबको साथ में मिलकर ये मामले को खत्म करना है। हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि आप पुलिस को देखकर भाग जाए। पुलिस आपके ऊपर कुछ नहीं करने वाली है, हमको हमारी जिम्मेदारी समझनी है और अपनी जिम्मेदारी समझकर हम ये काम को किस तरह से अंजाम देना चाहेंगे। क्या माँ बाप को ये मालूम नहीं है कि जो बच्चे बाहर निकल रहे, अगर खुदा ना करे कोई बच्चा अगर वो वायरस अपने घर में लेकर आता है तो वो बच्चे से पहले जान का खतरा उसकी माँ को होगा, उसके बाप को होगा, दादा को होगा, नानी को होगा, नाना को होगा। क्या हम चाहते हैं कि हमारी छोटी सी गफलत की वजह से हम अपने घर में मौत का तोहफा लेकर जाएं? इतने सारे पूरे मुल्कों के अंदर जो हालात है वो हालात को देखते हुए हमने यहाँ पर जितनी भी कोशिशें की जा रही है उन वजह से आज औरंगाबाद में 30 केसेस हो गए देखते देखते। अगर इसी तरह की गफलत हम लोग करते रहेंगे तो ये केसेस बढ़ते रहेंगे और कोई ऐसा मौका नहीं रहेगा कि जहां पर हम ये लॉकडाउन को खत्म कर सके। आज ही होम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई और मुझे पर्सनली बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब लोग उस मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि साहब किरारपुरे के अंदर आपके लोग सुन नहीं रहे हैं, रोशन गेट के अंदर लोग सुन नहीं रहे हैं। आप सोचिए उस वक्त जिसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूं वहां पर कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है और ये किसकी भलाई के लिए। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, बात करनी है लेकिन आप लोग अच्छी तरह से सुन ले। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले जब आरिफ कॉलोनी के अंदर एक मौता हुई कोविड-19 से, उस शख्स का जब इंतकाल हुआ तो उनके घर वालों को जनाजे के नमाज तक नसीब नहीं हुई, उन्हें अपने घर वालों को दीदार तक नसीब नहीं हुआ है। सीधा अस्पताल से लाश प्लास्टिक के अंदर बांध के सीधा कब्रिस्तान ले जाया गया। ऐसे हालात खुदा ना करे अगर यहां पर भी बन गए तो आप सोचिए
कि हमारे चाहने वालों का मरने के बाद हम सूरत भी नहीं देख सकते हैं। अगर ये चाहते हैं आप लोग, तो आज मैं आप लोगों के बीच में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम आई और उन्होंने मुझसे ये इल्तिजा किया कि हमारे लाख बोलने के बावजूद भी यहाँ के हालात सुधर नहीं रहे हैं और आपके हालात सुधर नहीं रहे, इसीलिए शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं। हर मोहल्ले के अंदर मैं खुद अपने घर में जाकर बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि रोज दिखलूं, आप लोगों के बीच में आऊं, लेकिन मेरे घर में भी मेरी वालदा है, वजह से मेरी वालदा की जिंदगी में धोखे में नहीं डालना चाहता हूं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि नौजवान निकले पड़े हैं, कष्ट रहे हैं, कहीं डेरा डालकर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमको खत्म करना पड़ेगा। और यहां पे मैं आप लोगों से अपन गुजारिश करना चाहूंगा, मोहल्ले के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग कुर्सी डाल के बैठिएगा और ये ख्याल रखिएगा कि कोई सड़क के ऊपर ना निकले। अगर हर शख्स अपने घर की खुद की जिम्मेदारी अगर ले लेगा तो यहां पर इस तरह का ऐसा माहौल हमें रोज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन घर वालों ने भी छूट दे रखी है और जवानों को लगता है कि हमें तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको नहीं होगा, आपको नहीं होगा, लेकिन आपके माँ बाप की जिंदगी आप खतरे में डाल रहे हैं। यही हम अपील करने के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं, एक भाई की हैसियत से मैं यहां पर कोई आपका खासदार बनकर नहीं आया, मैं एक भाई की हैसियत से आपका बेटा बनकर यहां पर आया हूं। आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे तो हमारा पूरा से ही गुजरने वाला लॉकडाउन के अंदर ना कोई तरावी होगी, ना कोई नमाज के लिए बाहर जा सकेगा। अगर हम लोगों ने कुछ और दिन अगर अच्छे तरीके से अपने घरों में बंद रहे तो हम सरकार से कहेंगे कि अब हमारे शहर के अंदर ये खत्म हो गया है, अब इसे रेड जोन से बाहर निकालकर ये शहर का लॉकडाउन खत्म करेंगे। ये फैसला आप लोगों को लेना है, इसीलिए आप लोगों एक बार फिर से मैं अपना गुजारिश करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उन्होंने चिंता जताई, उन्होंने ये बताया है कि ये कितना संगीन मामला हो सकता है, चंद लोगों की गलतियों की वजह से पूरे शहर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करने के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों का संजीदगी से दखल लेंगे, इसे ये ना समझे कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये वायरस को फैलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आज एक अस्पताल को सील कर दिया गया कि सिर्फ एक पेशेंट मिला था, कौन पेशेंट यहाँ से गुजर रहा है, हमारे बीच में किसके पास वायरस है, या आप किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब ऐसी भीड़ देखते हैं तो हमें भी डर लगता है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि इसे संजीदगी से ले और उम्मीद करता हूँ कि इस इलाके के बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने बच्चों को अपने अपने घरों के अंदर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।